हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो शुरुआत करते हैं आज चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन से। तो इस चैप्टर में हमको बहुत सी चीज़ें पढ़नी हैं। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही ये लाइन लिखी हुई है, तो इस लाइन से शुरू करते हैं हम लोग कि वेयर देयर इज़ ऑक्सीडेशन देयर इज़ ऑलवेज रिडक्शन। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन होता है तो उस केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन भी ज़रूर होगा। ये लाइन या फिर हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट हमको पूरे चैप्टर के दौरान देखने को मिलेगी, समझ सकते हैं ये की पॉइंट है इस चैप्टर का। तो अब देखते हैं हम लोग चैप्टर का ओवरव्यू। तो ओवरव्यू हम लोग देखेंगे कि बेसिकली आखिर हम लोग चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर फ्रॉम वन काइंड इनटू अनदर ऑकर्स थ्रू द वेरियस टाइप्स ऑफ रिएक्शन। सो मैटर जब चेंज होता है एक प्रकार से दूसरे प्रकार में, तो वो बहुत सारे रिएक्शंस से होके गुजरता है, या फिर बहुत सारे रिएक्शंस फॉलो करने के बाद मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक प्रकार से दूसरे प्रकार में। वन इम्पॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ सच रिएक्शंस इज रेडॉक्स रिएक्शन। इन्हीं का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो रेडॉक्स रिएक्शन है। बात करें रेडॉक्स रिएक्शन के इम्पॉर्टेंस की कि आखिर हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है रेडॉक्स रिएक्शन, या फिर रेडॉक्स रिएक्शंस हमारे लाइफ में कहाँ कहाँ हम लोग देख सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस को। सो बर्निंग ऑफ वेरियस फ्यूल्स टू ऑब्टेन एनर्जी, जैसे कि बहुत बायोफ्यूल्स हो गए आपके, पेट्रोल फ्यूल्स हो गए, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सारे फ्यूल हो गए। घर में जो हम लोग फ्यूल यूज़ करते हैं आपका LPG, ये सब जलाते हैं हम लोग बहुत सारे पर्पजेज़ के लिए, जैसे कि कॉमर्शियल पर्पज़ हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, तो इसमें भी रेडॉक्स रिएक्शन ज़रूर होता है, उसमें इन्वॉल्व होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव एंड एक्सपेंसिव मेटल्स। तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस जैसे कि इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, ये सारे प्रोसेसेस जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस होते हैं या फिर मेटल्स होते हैं उनको निकालने की कोशिश करते हैं, या फिर वेरी एक्सपेंसिव मेटल जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब भी हम लोग एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो चीज़ें होती हैं, उसमें भी आपका रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। प्रिपरेशन ऑफ वेरियस कंपाउंड्स लाइक कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा का प्रिपरेशन, यहाँ तक कि सिर्फ कॉस्टिक सोडा नहीं, बहुत सारे कंपाउंड्स के प्रिपरेशन में बेसिकली वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे होते हैं, जो भी हम लोग आगे देखेंगे भी। वेरियस इन्वायरमेंटल इशूज लाइक हाइड्रोजन इकोनॉमी एंड ओजोन होल। तो इन्वायरमेंटल इशूज जैसे हाइड्रोजन इकोनॉमी, अब हाइड्रोजन इकोनॉमी में को बेसिकली माना जाता है कि हमारे ये फ्यूचर का फ्यूल है। हाइड्रोजन को एज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड अगर हम लोग एज्यूम करें और उसको हम लोग फ्यूल के रूप में यूज़ करें, तो वो जो उसका बाई प्रोडक्ट होगा वो H2O होगा जलने के बाद, हाइड्रोजन के जलने के बाद, इसीलिए उसको फ्यूचर फ्यूल कहा जाता है कि उसका यूज़ हम लोग करेंगे तो किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन H2+O2 दैट रिजल्ट इन टू द H2O, ये भी एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस ही है जिसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के अंतर्गत ही आता है। उसी तरह ओजोन होल है, तो ओजोन जो है वो O3 इसका फॉर्मूला होता है, तो वो एक लेयर बना रखा है अर्थ के ऊपर, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेज या फिर बहुत जो हार्मफुल रेज होती हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं कर पाती हैं। तो ये ओजोन लेयर का मेन काम होता है कि वो हमें प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल रेज से। लेकिन क्या होता है कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जैसे गैसेज हो गई, या फिर ऑक्सीजन हो गया, या फिर और भी जो नॉर्मल ऑक्सीजन है O2, ये सब रिएक्शन करते हैं O3 से और उसको उस O3 को फिर से O2 में बदल देते हैं। तो ऐसे इस प्रोसेस में भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा होता है। तो रेडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं कि हमारे डे टू डे लाइफ में या फिर हमारे आसपास सराउंडिंग्स में रेडॉक्स रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो ये है रेडॉक्स रिएक्शन का इम्पॉर्टेंस। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ऑल द एवर एग्जांपल्स इन्वॉल्व रेडॉक्स रिएक्शंस। तो इससे हमको पता चलता है कि रेडॉक्स रिएक्शंस का क्या इंपॉर्टेंस है। शुरू करते हैं चैप्टर का अगला टॉपिक, टॉपिक 8.1 क्लासिकल आइडिया ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस, जिसमें हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आखिर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ये इसका पास्ट क्या है और ये अभी मॉडर्न टाइम में, प्रेजेंट टाइम में कैसे रेडॉक्स रिएक्शन को डिफाइन करता है, इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग उसी को पढ़ेंगे, बेसिकली हिस्ट्री पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन की। सो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन हैज इवॉल्व ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि जो मॉडर्न डेफिनेशन है रेडॉक्स रिएक्शन का, वो बहुत लंबे समय के बाद अब जाके इवॉल्व होके जो हम लोग पढ़ते हैं वो बहुत इवॉल्व फॉर्म है, या फिर कह सकते हैं मॉडिफाइड फॉर्म है। एंड नंबर ऑफ एग्जामिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन, यानी कि बहुत सारे एग्जामिनेशन और ऑब्जर्वेशन केमिस्ट किए, जो केमिस्ट होते हैं
उन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन और एग्जामिनेशंस किए, उसके बेसिस पे उन्होंने डिफाइन किया रेडॉक्स रिएक्शन को। सो द टर्म ऑक्सीडेशन वाज यूज्ड टू डिस्क्राइब, ये पहली बार की बात की जा रही है कि आखिर स्टार्टिंग में रेडॉक्स रिएक्शंस को या फिर ऑक्सीडेशन को कैसे डिफाइन किया जाता था। तो स्टार्टिंग में द टर्म ऑक्सीडेशन वाज यूज्ड टू डिस्क्राइब द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एन एलिमेंट और कंपाउंड, यानी कि जो ऑक्सीडेशन पहले डिफाइन किया जाता था तो वो कहते थे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एक एलिमेंट में जब होता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। फॉर एग्जांपल 2Mg+O2 दैट रिजल्ट्स इनटू द 2MgO, तो यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। सल्फर प्लस O2 SO2 बन रहा है, तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। CH4 प्लस 2O2 दैट रिजल्ट्स इनटू द CO2 प्लस 2H2O, तो CH4 में O2 का एडिशन हो रहा है, तो यहाँ पे CH4 का ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर इन्हीं रिएक्शंस में जैसे आपका CH4 प्लस 2O2 दैट रिजल्ट्स इनटू द CO2 प्लस 2H2O, तो इसी रिएक्शंस को फर्दर एनालाइज किए जो साइंट केमिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, आफ्टर केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ द रिएक्शन द टर्म ऑक्सीडेशन वाज ब्रॉडेंड टू कंक्लूड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सब्सटेंस। यानी कि केयरफुल एग्जामिनेशन के बाद जैसे ये रिएक्शन हो गया, इसका उन्होंने अच्छे से अध्ययन किया, तो उन्होंने ध्यान दिया कि द टर्म ऑक्सीडेशन वॉज ब्रॉडेंड, उन्होंने ब्रॉड कर दिया ऑक्सीडेशन के टर्म को और विस्तृत कर दिया। क्या इसमें इंक्लूड कर दिया, उसमें इंक्लूड कर दिया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल आप देखिए CH4 है, इसमें ऑक्सीजन का तो एडिशन हो रहा है जिसकी वजह से सी और ओ दोनों मिलकर CO2 बना ले रहे हैं, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है जो पहले से ऑलरेडी इस एलिमेंट में मौजूद था, इस सब्सटेंस में CH4 में मीथेन में, वो निकल चुका है एज ए फॉर्म ऑफ वाटर बना लिया है, वो निकल गया हाइड्रोजन। तो इस डेफिनेशन को और ब्रॉड किया गया और अब कहा गया कि सिर्फ ऑक्सीजन का एडिशन ही नहीं बल्कि हाइड्रोजन का रिमूवल होता है तो भी वो ऑक्सीडेशन होगा। फॉर एग्जांपल 2H2O प्लस O2 दैट रिजल्ट टू द 2S प्लस 2H2O, तो यहाँ पे H2S था हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सल्फर सिर्फ बचा है और हाइड्रोजन जो है वो निकल चुका है, O2 के साथ पानी बना चुका है मिलके। तो इस तरह से और ब्रॉड किया गया ऑक्सीडेशन के डेफिनेशन को। फिर फर्दर क्या हुआ कि इसी जो आपका एग्जांपल है इसी को और एग्जामिन किया गया। सो फर्दर एग्जामिनेशन ब्रॉडन द टर्म ऑक्सीडेशन टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू ए सब्सटेंस। अब और एनालाइज किया गया कि ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा था तो हम लोग ऑक्सीडेशन कह रहे थे, लेकिन चूँकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बेसिकली देखिए फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अब शायद आप लोगों को पता होगा और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो इसको और मॉडिफाई किया गया और कहा गया कि सिर्फ ऑक्सीजन का ही एडिशन नहीं बल्कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो भी होते हैं अगर उनका एडिशन होता है किसी भी सब्सटेंस में तो उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा। जैसे Mg+F2 MgF2, तो मैग्नीशियम में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है इसलिए मैग्नीशियम का हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक उसी तरह मैग्नीशियम प्लस सल्फर जो बन रहा है MgS, तो मैग्नीशियम में सल्फर का एडिशन हो रहा है इसलिए मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक। फिर और मॉडिफाई किया गया फर्दर द रिमूवल ऑफ नॉट ओनली हाइड्रोजन। अब देखिए ध्यान दीजिए, एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि हाइड्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इन टर्म्स को, कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखते हैं, जो भूखे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ठीक है। जैसे कि ऑक्सीजन हो गया वो O2- बना लेगा जल्दी से, फ्लोरीन हो गया उसको दे दीजिए तो वो इलेक्ट्रॉन जल्दी से अपनी तरफ खींच लेगा, वो लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। लेकिन जो हाइड्रोजन हो गया या फिर सोडियम हो गया या फिर पोटेशियम हो गया, इनके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ही टाइटली बाउंड नहीं होता है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं, तो ये सब इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, तो ये लोग इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक। तो रिमूवल ऑफ नॉट ओनली हाइड्रोजन बट ऑल्सो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट इज कंसिडर्ड एज ऑक्सीडेशन। यानी कि सिर्फ हाइड्रोजन का रिमूवल ही नहीं बल्कि सभी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स का रिमूवल अगर होता है किसी भी सब्सटेंस से तो सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा। जैसे 2K4Fe(CN6) ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, प्लस H2O2 जो रिजल्ट होता है K3, देखिए यहाँ K4 था यहाँ पे K3 हो गया और पोटेशियम इसमें से सारा का सारा नहीं निकला है लेकिन कुछ ना कुछ पोटेशियम जरूर निकल गया है, प्लस 2KOH वो एज ए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में पोटेशियम निकल गया है। तो चूंकि पोटेशियम एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है और इस सब्सटेंस से पोटेशियम बाहर निकल रहा है तो इस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा। तो इस तरह से हम लोग डेफिनेशन में चार इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए, कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए
या फिर ऑक्सीजन के अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन होना चाहिए। ये दो चीज़ें हो गई। अब ये एडिशन था और साथ ही साथ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होना चाहिए। तो ये चार चीज़ें जो हैं वो बार बार धीरे धीरे समय के साथ अध्ययन किया गया और इस तरह से ऑक्सीडेशन को और ब्रॉड किया गया। अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की कि आखिर कंक्लूड क्या करते हैं। ये सब थ्योरी था और बेसिकली एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में लाइन बाई लाइन लिखा था, जिसे देख के मैक्सिमम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इसलिए मैंने कोशिश की वो सारी चीज़ों को बहुत सिंपली वे में समझाने की। और आप लोग के लिए सजेशन भी है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें, जिससे क्या है कि बहुत क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। और ये डेफिनेशन आप अपने फेयर कॉपी में भी लिख सकते हैं, ऊपर जो था वो थ्योरी था आपको समझाने के लिए। तो देखते हैं डेफिनेशन हम लोग। द टर्म ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन / इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू ए सब्सटेंस, यानी कि या तो ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन जब होता है तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम ए सब्सटेंस, यानी कि एक सब्सटेंस से जब हाइड्रोजन का रिमूवल होता है या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल होता है, तब भी उसका उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है। बात करें एग्जाम्पल की तो ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जो भी आपको सूटेबल लगता है वो एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं। तो जिस तरह से ऑक्सीडेशन को पढ़ा गया या फिर डिफाइन किया गया, मॉडिफाई किया गया, उसी तरह रिडक्शन भी है। सो द टर्म रिडक्शन इज डिफाइंड एज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। देखिए एकदम रिडक्शन एकदम उल्टा होता है ऑक्सीडेशन का, और दोनों एक ही साथ होते भी हैं। अभी अभी आपको आगे जो है मिलेंगे एग्जाम्पल्स में आपको क्लियर भी हो जाएगा। सो एकदम उल्टा होता है ये ऑक्सीडेशन का। सो द टर्म रिडक्शन इज डिफाइंड एज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट फ्रॉम सब्सटेंस, यानी कि जो सब्सटेंस है उसमें एडिशन नहीं बल्कि रिमूवल होगा ऑक्सीजन का या फिर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का, तो वो रिडक्शन होगा। और यहाँ पे रिमूवल हो रहा था पिछले डेफिनेशन में, लेकिन यहाँ पे एडिशन होगा। सो और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट टू ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज रिडक्शन। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। सो ऑक्सीडेशन में बेसिकली क्या होता है, एक तरह से ऊपर देखें, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन होता है, लेकिन रिडक्शन में इसका उल्टा होता है, उसमें ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल होता है। ठीक, फिर ऑक्सीडेशन में क्या होता है, या तो हाइड्रोजन या तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को निकाल दिया जाता है, तब ऑक्सीडेशन होता है, और अगर उसी को जोड़ दिया जाए सब्सटेंस में तो सब्सटेंस का रिडक्शन हो जाएगा। ठीक, सो इट वॉज सून रियलाइज दैट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑलवेज ऑकर सिमल्टेनियसली एंड हेंस द टर्म रिडॉक्स वॉज कॉइंड फॉर दिस क्लास ऑफ केमिकल रिएक्शन। बहुत ही जल्दी इसको रियलाइज़ किया गया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चूँकि दोनों एक साथ होते हैं, इसीलिए इन दोनों टर्म को अलग अलग रखने की बजाय एक सिंगल टर्म में बनाने की कोशिश की गई और उसी को नाम दिया गया रेडॉक्स, RE रिडक्शन के लिए, RAD और OX ऑक्सीडेशन के लिए, और यही है रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ से जो रेडॉक्स टर्म है यहाँ से आता है वो। सो फटाफट से कर लेते हैं हम लोग प्रॉब्लम 8.1। तो शुरू करते हैं, इसमें पूछा है कि किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है, आपको लिखना है उसके बारे में। सो H2S प्लस Cl2, देखिए जो H2S है वो फर्दर बन जा रहा है सल्फर, ये आपको ध्यान देना है कि जो H2S है इसमें हम लोग हाइड्रोजन को छोड़ देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन तो एक पैमाना है कि हम लोग को बताने के लिए कि ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, अगर ये निकल जाता है तो ऑक्सीडेशन होगा, तो हम लोग सल्फर पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो H2S जो है वो बाद में सल्फर बन जा रहा है, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। फिर नेक्स्ट टर्म में देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन में हाइड्रोजन आके जुड़ गया, तो जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो ठीक उल्टा ऑक्सीडेशन का वो होगा रिडक्शन। सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जा रहा है तो वो उसका क्या होगा, रिडक्शन। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो द सब्सटेंस H2S इज अंडरगोन ऑक्सीडेशन एंड Cl2 इज अंडरगोन रिडक्शन। ठीक, आते हैं नेक्स्ट पे हम लोग। सो Fe3O4 प्लस Al दैट रिजल्ट्स इनटू द 9 Fe प्लस 4 Al2O3। सो यहाँ पे Fe3O4, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन था लेकिन फर्दर प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में ऑक्सीजन जा चुका है, सो इट इज़ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ठीक उल्टा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के, सो क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होगा। ठीक, और एल्युमिनियम की बात हम लोग करें, एल्युमिनियम में पहले ऑक्सीजन था नहीं लेकिन प्रोडक्ट में एल्युमिनियम में ऑक्सीजन आके जुड़ चुका है, तो उस एल्युमिनियम का क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब बात करते हैं लास्ट रिएक्शन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, और ये थोड़ा सा ट्रिकी भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है 8.1 का। इसमें आपको जो डेफिनेशन का पहला पार्ट है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज डिफाइंड एज ऑक्सीडेशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज डिफाइंड एज ऑक्सीडेशन, ठीक। तो और रिडक्शन की बात करें, सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज डिफाइंड एज रिडक्शन। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा, आपको फोकस करना होगा कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव का एडिशन हो रहा है या फिर इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट का, ठीक, यहाँ पे इस चीज़ पे। क्योंकि आप पहली नज़र में देखेंगे तो सोडियम के साथ हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, आप सिंपली कह देंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो रिडक्शन होगा, सोडियम का क्या होगा, रिडक्शन होगा, लेकिन बेसिकली सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे। पहली नज़र में आप देखेंगे तो क्या होगा, सोडियम प्लस हाइड्रोजन, सोडियम में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन का नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन का होता तो ऑक्सीडेशन होता, लेकिन हाइड्रोजन का हो रहा है इसलिए क्या कह देंगे आप लोग कि सोडियम का रिडक्शन हो रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सोडियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ध्यान हम लोग कैसे देंगे, देखिए मॉडिफाई हो रहा था ना धीरे धीरे डेफिनेशन, पहले जो ऑक्सीजन का एडिशन को ही हम लोग ऑक्सीजन का एडिशन या फिर हाइड्रोजन के एडिशन पे ही हम लोग बता देते थे कि ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन, लेकिन केमिस्ट ने कहा कि ये गलत तरीका है, हम लोगों को किसके बेसिस पे देखना होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव या फिर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट पे, ये हम लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से बताएगा कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन। तो इसमें अगर हम लोग देखें अलॉन्ग द ग्रुप हाइड्रोजन होता है, फिर लिथियम, पहले ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम, तो जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटती जाती है, ठीक है, नीचे की जाते वक्त इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटती जाती है। तो हाइड्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है एज कम्पेयर्ड टू सोडियम, क्योंकि वो ऊपर है इसलिए ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, कम इलेक्ट्रोनिगेटिव ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो जब कम इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट में ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट की एडिशन हम लोग करेंगे तो उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा। डेफिनेशन के हिसाब से याद करिए कि ऑक्सीजन का एडिशन या ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का एडिशन होगा तो उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पे चूंकि सोडियम है और सोडियम में ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट की एडिशन हो रही है तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, और हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है एज कम्पेयर्ड टू हाइड्रोजन, सोडियम एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट माना जाएगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो हाइड्रोजन का होगा रिडक्शन क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है। तो इस तरह से चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जल्दी हम लोग इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बी हैप्पी। बाय बाय।